देख सके। अनुजी जानना चाहूंगा आज का विशेष मौका क्या है, किस चीज के बारे में रिकॉर्डिंग और कौन सी फिल्म है, सब्जेक्ट क्या फिल्म का? जाहिर है कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आके म्यूजिक डायरेक्टर जो कंपोज करता है उसे सिंगर गा देता है, और ये बड़ी सेंसिटिव सी कहानी है जिसे श्रीमती मधुरा जसराज डायरेक्ट कर रही हैं, और बहुत गंभीर विषय है ये। इस गंभीर विषय को हम सब मिलके कितने अच्छी तरह से निभा पाते हैं, सारी कलाकारी उसमें है। मैं इस सब्जेक्ट की पूरी डिटेलिंग में अभी नहीं जा सकता हूं, लेकिन बहुत गंभीर विषय है और बहुत कंटेम्परेरी सब्जेक्ट है ये। आपके रोल के बारे में कहा जाए तो किस तरह का रोल है, क्या किरदार? बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। मैंने कहा आपको देखिए क्या है कि आपको मस्ती पे भी शो होस्ट कर रहे हैं, रेडियो पे काम करते हैं। भैया मस्ती के ऊपर जो चल रहा है वो मैं 3 साल पहले छोड़ चुका हूँ। ये मैंने ट्विटर पे भी क्लियर कर दिया है, फेसबुक पे भी, और अपने इंटरव्यूज में भी बिल्कुल क्लियर कर दिया है। वो 3 साल हो गए हैं, मैंने वो छोड़ दिया, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। अलबत्ता 92.7 बिग एफएम पर जो कार्यक्रम चल रहा है वो उससे मैं जुड़ा हूँ। सर काफी दिनों से आप फिल्म इंडस्ट्री के पार्ट रहे हैं, आज के दौर में जो आपको रोल्स मिलते हैं, कैरेक्टर रोल मिलते हैं, उससे आप कितने सेटिस्फाइड हैं एक्टर, जो भी रोल आपको ऑफर किया जा रहा है अभी? सेटिस्फेक्शन तो चिता के ऊपर जाके मिलता है, पता नहीं तब तक पता ही नहीं पड़ता है कि सेटिस्फाइड थे या नहीं थे। नहीं, कलाकार को और आदमी को इतना तो लालची होना चाहिए, कलाकार को स्पेशली, कि उसका बेस्ट कभी भी आता नहीं है, आना भी नहीं चाहिए। जिस दिन वो ये कहने लगता है कि उसने उसका बेस्ट कर लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है उसकी कलाकारी, उसकी सृजनात्मक जो शक्ति है, जो पोटेंसी, वो खत्म होने लगती है। तो अभी चल रहे हैं। सर एनएसडी से ट्रेंड है आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, आज के दौर में जो कैरेक्टर आर्टिस्ट आते हैं जैसे नवाजुद्दीन की बात लें, तो आज के दौर में आप ये पूछना चाहूंगा कि जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, स्टार जो वर्ड होता है वो अधूमिल हो गया है, ऐसा कुछ रहा? नहीं नहीं, बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम स्टार्स बन रहे हैं। वेरी गुड। नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर आपसे कि कैरेक्टर आर्टिस्ट जो वर्ड था, अब कैरेक्टर आर्टिस्ट भी स्टार बन रहे हैं, नवाजुद्दीन की बात क्या है? इसलिए ये कैरेक्टर, देखिए ये कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं या ये कॉमेडियन है, इसलिए आ गया कि हमारी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो 98% तो नकलची उसके ऊपर चलती है, इसलिए और बड़ा स्टीरियोटाइप फिक्स फॉर्मूला होता था। वरना तो कैरेक्टर तो कहीं ना कहीं हर आदमी करता है, अब कैरेक्टर आर्टिस्ट शायद उन एक्टर्स को कहना जाने लगा जो सशक्त एक्टर हैं, और शायद ऐसा टर्मिनोलॉजी इसलिए डेवलप कर दी कि हमारे ऐसा लगा कि हमारे हीरोज के कोई कैरेक्टर नहीं होते हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद इस वजह से उन्होंने कहा कि कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं, तो एक्टिंग, अच्छी एक्टिंग का काम उन्होंने कैरेक्टर्स जो सो कॉल्ड कैरेक्टर आर्टिस्ट है उनके ऊपर छोड़ दिया, ये मुझे ऐसा लगता है, जरूर नहीं कि वैसा ही हो। आखिरी दो सवाल पूछना चाहूंगा, पहला सवाल ये सर, आप कोई भी इस पे बहुत बेबाक आंसर करते हैं, अब रियो ओलंपिक्स आ रहा है तो उसमें सलमान को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे घोषित किया गया है, एज एन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मतलब जाने पहचाने चेहरे हैं, आपको क्या लगता है ये सही है? नहीं, इसमें गलत क्या है? सलमान खान को अगर ओलंपिक इंडस्ट्री का क्या, ओलंपिक आपके जो हुआ, उसका किसने घोषित किया, किसने बनाया ब्रांड एम्बेसडर? सलमान खान ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया है क्या, आप बताइए? ऐसा तो नहीं है ना, तो किसने किया है उनको, सलमान खान को, कि वो ओलंपिक के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे? ये किसी नेताओं का या पॉलिटिकल कोई डिसीजन होगा, बेचारे सलमान खान ने तो खुद अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया है, ठीक है? और जिन्होंने प्रोजेक्ट किया उनसे जाके पूछिए कि वो उनको अगर सलमान खान ठीक लगते हैं तो सलमान खान को बना दीजिए, अपने यहां तो सब कुछ ठीक है, वाय सलमान खान है, राखी सावंत को भी बना सकते हैं आप, उसमें क्या प्रॉब्लम है उसको पूरा आके बनने का? जी आगे कौन से प्रोजेक्ट नजर आएंगे? मेरी 2-3 पिक्चर वो सेंसर में थोड़ा फंसी हुई है, मैं अभी उधर से ही वहां से पहलाज नेलानी साहब के ऐसे ही वापस आ रहा हूँ, किसी और काम के लिए गया था। तो डिस्कस करना चाहेंगे उसको ये? नहीं, एक एक फिल्म है जो 7 उचक्के मैंने सुना है उसपे, एक और दूसरी फिल्म है मिसिंग, उसका भी वो है, 2-4-5 और फिल्म है। हम तो फिल्म ही करेंगे ना, या तो या एक्ट करेंगे या फिल्म डायरेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ तो। रात को कर लूंगा। जानना चाहूंगा बहुत बनाई है बहुत। देखिए हमारे साथ इस वक्त कमल शर्मा जी बैठे,
और कमल शर्मा जी हर साल मेरी 3 फिल्में बना रहे हैं। तीन ये जो फिल्म है इसकी खासियत ये है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसके डायरेक्टर वी शांताराम जी की सुपुत्री और पंडित जसराज जी की पत्नी। ये एक इतनी बड़ी बात है कि बहुत बड़े डायरेक्टर की बेटी और बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर की वाइफ, तो उनके अंदर डायरेक्शन का कीड़ा तो होना ही था। पहले इन्होंने किया भी है, मराठी किया है, लेकिन हिंदी ये उनकी पहली फिल्म है। उन्होंने मुझे जब ये स्टोरी सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने इनसे कहा करिए मैं इसको बनाता हूँ। अब इसमें खासियत ये है कि वैसे तो ये फिल्म रेप विक्टिम के ऊपर है, लेकिन उसके पीछे संदेश एक इतना बड़ा है कि किस तरह से रेप विक्टिम को उसका परिवार साथ देता है, बाद में सपोर्ट करता है कि वो अपनी परेशानियों उलझनों से बाहर आए। तो ये इस फिल्म की खासियत है, बहुत ही खूबसूरत फिल्म बन रही है। इसमें हमने एक एक्ट्रेस को लिया है जो मेन रोल कर रही है, उसका नाम है कशिश, और बाकी अनु कपूर हैं और भी आर्टिस्ट हैं, हम कई लोगों से बात कर रहे हैं लेकिन अनु कपूर जी का तय हो गया इसलिए वो आज आए भी हैं। तो आज हम पहला गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं जो शारंग देव जी का संगीत है और विनोद राठौड़ इसको गाएंगे। इस फिल्म में एक गाना मैं भी गाऊंगा, वो भी बाद में रिकॉर्ड होगा, लेकिन अब इसकी तैयारी शुरू हो गई है फिल्म की। आज मुहूर्त हो गया गाने से और अब बहुत जल्दी इसकी शूटिंग शुरू होगी। बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात होती है कि सच में ऐसा हुआ है तो उनको सपोर्ट मिलना चाहिए, सोसाइटी का भी और फैमिली का भी, दोस्तों का भी। तो ये हम इस फिल्म के जरिए से लोगों को संदेश दे रहे हैं। अनु कपूर जी इंटेलिजेंट एक्टर हैं, बिजनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका बहुत कितना रहेगा इसमें? थ्रू आउट रोल है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। ये जो गाना हमारे पिक्चराइज करेंगे ये भी अनु कपूर जी के ही ऊपर करेंगे, इतना बढ़िया गाना ये बना है। तो आप सबकी शुभकामनाएं चाहिए कि हम ये काम अच्छी तरह कर सकें। जी हाँ, इसमें हम एक गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज होगा, एक्टिंग तो नहीं है, बाकी एज एक्टर मेरी फिल्में आ रही हैं। पहली आएगी हैप्पी सिंह, उसके बाद आएगी ब्लैक बद्रे, उसके बाद आएगी केस नंबर 405, तो काफ़ी चीज़ें आप मुझे कई फिल्मों में देखेंगे। पुल पावर चाहिए होती है, तो पुल पावर के लिए सलमान को बनाया गया है, और हर फील्ड में पुल की जरूरत होती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उस इवेंट को सक्सेसफुल करें, बस इसका इतना ही कारण समझ लीजिए। और आर्टिस्ट कौन है? हेलो, फिल्म का सब्जेक्ट ये है कि आज जो समाज में बहुत जगह हो रहा है और जो रोज न्यूज़पेपर्स ये न्यूज कैरी करती है कि किसी का रेप हो गया, कि ये हो गया, पर हम रेप को तो वो फोकस नहीं कर रहे हैं,
रेप के बाद जो उन लड़कियों की जो हालत हो जाती है और उसमें से उनको साइकोलॉजिकली और फिजिकली फैमिली मेंबर्स सपोर्ट करके कैसे निकाल सकते हैं और फिर से वो अच्छी तरह से जिंदगी कैसे जी सकते हैं, इसको हम इस फिल्म के द्वारा दिखाना चाहते हैं। इट इज वेरी नेसेसरी। नहीं तो कितनी सारी लेडीज की और औरतों की जिंदगी ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो डायरेक्शन मतलब बात आपको पहले क्यों नहीं, मैं कुछ कुछ तो कुछ करती रही। अभी भी मेरी एक इंग्लिश किताब भी छप के आई है। आई रोट विशांतराम द मैन हू चेंज्ड इंडियन सिनेमा। और मैंने मराठी फिल्म की थी आई तुझा आशीर्वाद। मैंने टीवी सीरियल की है फर्स्ट अफेणे जो दूरदर्शन से आती थी। आई डिड डॉक्यूमेंट्रीज। मैंने बैले प्रोड्यूस किया था गीत गोविंद वगैरह। ऐसे बहुत सारे काम किए पर स्लोली करते हैं। ऐसा ज्यादा मतलब कंटिन्यूसली करियर के लिए कुछ करना है ऐसी कोई बात नहीं है। व्हाटएवर आई फील लाइक डूइंग आई डू इट, अदरवाइज नहीं कर। सिनेमा जगत से इतने वक्त से आप जुड़े हुए हैं, आज के टाइम में जो सिनेमा बताया खासकर हिंदी फिल्मों की बात करें तो क्या कमेंट करना चाहेंगे? क्वालिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा है, और कैसे इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है? आज के सिनेमा के बारे में मुझे मतलब कहने लायक मैं इतनी कोई बड़ी नहीं हूँ इंसान, पर मुझे एक लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करने के हिसाब से हम अपने पर, जो अपने लोगों के अपने देश के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारे जो जिंदगी में जो हंसी है खुशी है उनको प्रोजेक्ट कम करते हैं और एक जो अननेचुरल लाइफ है उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। वो मे बी आई डोंट नो, मुझे इतना नहीं अपील करता। लोगों को तो अपील करता है तभी तो फिल्में चलती भी हैं। अनु कपूर बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा मतलब उनके एक्टिंग के बारे में तो क्या कहूँ, वेरी गुड एक्टर्स। मुझे वही चाहिए थे इसलिए मैंने उनको पूछा और उन्होंने मुझे हाँ कहा तुरंत। ट्विटर पे शेयर किया। छोड़ दो ना यार, ये क्या तुम कर रहे हो? छुपाना भी हाँ छुपाना आज मेरी सारण जी से पहली मुलाकात हुई है काफी दिनों बाद में। और सारण जी के साथ जितना भी काम हम लोग ने किया है आपने देखे होंगे जुनून और काफी गाने मेरे इतने पॉपुलर लोग टीवी से वो रिकॉर्ड करके मुझे आज भी सुनाते हैं। तो लाइक इट्स वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड प्रिविलेज टू बी हियर एंड सिंगिंग विद सारण जी। और फिलोसॉफिकल सॉन्ग है, गाना है, अनुज जी है, मम्मी जी से अभी मेरी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लगा। बस आशीर्वाद लेने आया हूँ और अपना काम बहुत खूबसूरत तरीके से निभाऊंगा। और इट्स वंडरफुल टू सिंग लाइक दिस, यू नो, इस माहौल में आज बड़े मैं कैमराज देख रहा हूँ, लोग देख रहा हूँ, तो ये माहौल बहुत जरूरी है एक प्रॉपर रिकॉर्डिंग के लिए। नहीं ऐसा नहीं है, वही सात सुर में लोग अभी भी काम कर रहे हैं, आज भी अच्छा काम हो रहा है, अच्छे लोग गा रहे हैं, अच्छी फिल्में बनना थोड़ा सा वो म्यूजिकल जिसे कहते हैं कि म्यूजिकल टच होना जरूरी है। सब्जेक्ट अच्छा होगा तो काम अच्छा होगा ही। आपने देखा लास्ट एक फिल्म बनी थी देवदास जिसमें इस्माइल दरबार जी का म्यूजिक था, तो जब फिल्म ऐसी बनेगी तो फिर गाने भी बिल्कुल ऐसे बनेंगे जो लोग याद करेंगे और जिंदगी भर तक वो अमर गाने हो जाते हैं। तो एक गाना हिट होने में बहुत बड़ा बड़ा रिस्पांसिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है हर आदमी की, वो चाहे लिरिक्स हो, वो चाहे सिंगर हो। हम तो बाद में आते हैं, पहले लिरिक्स है, फिर सिचुएशन है, सिचुएशन के बाद डायरेक्टर है, और उसके बाद हमारे एक्टर है जो लिप वर्ड करते हैं। ये सारी कॉम्बिनेशन मिलकर जब आप थिएटर में देखते हो
वो गाना जब अच्छा लगता है तब जाके गाना एक एक कंफर्म होता है कि ओके दिस इज द हिट सॉन्ग नाउ। आएगा आएगा जरूर आएगा, मेरा खुद भी कुछ प्लान है, मैं तो 12 गानों का एल्बम पेश करने जा रहा हूँ एंड मुझे उम्मीद है कि सी ऑलवेज अ गुड लिरिक्स एंड गुड म्यूजिक एंड गुड वॉइस विल किल यू, ना आपको वो कानों में गूंजेगी और वो हैमरिंग होना जरूरी है, जब तक हैमरिंग नहीं होगी कोई चीज यहाँ पे आज की डेट में हिट नहीं हो सकती है। नो, मैं आई वॉज ऑलवेज लाइक दिस ओनली, मेरा बस एक वो शूट कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट मंथ में एक नया एल्बम मैं शूट कर रहा हूँ, मेरी ऑडियंस की बहुत ख्वाहिश थी कि आपका एल्बम आया नहीं तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ एंड दिस विल बी लाइक वेरी इंटरनेशनल एल्बम जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग पसंद करेंगे क्योंकि अच्छा म्यूजिक ही होता है ना, वही सासुर है, मैंने कहा काम अभी भी अच्छा हो रहा है और अच्छा ही रहेगा बिल्कुल जी। थैंक यू सर। पंडित चतुर्भुज राठौड़ जी सर ने उठा दिया सारे नहीं उठो जागो मोहन प्यारे अब मुड़ गया सर सारे बिरुज गोले साहब थोड़ा लेफ्ट सर 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 यहाँ पे आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते तो मैं भी आता हूँ के पास गया 250 है।